उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ के नव मनोनीत जेल विजिटर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह द्वारा अपने कार्यकर्ताओं एवं समिति के चेयरमैन डॉक्टर उमेश शर्मा के साथ जिला जेल मुरादाबाद का निरीक्षण किया। जेल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेश कुमार शर्मा ने सहयोग करते हुए कैदियों की समस्याओं से अवगत कराया। सभी कैदियों की समस्याओं के समाधान का जेल मैनुअल के आधार पर सहयोग करने का आश्वासन दिया। डॉक्टर अशोक सिंह मुरादाबाद के जाने माने गैस्ट्रो सर्जन हैं। जेल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस कुमार शर्मा द्वारा डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के बुद्धि विहार स्थित आवास पर उपस्थित होकर जेल विजिटर के रूप में मनोनीत होने पर शुभकामनाएं दी। नई जिम्मेदारी आज ना उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ द्वारा डॉक्टर ए के सिंह को जेल पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश अपराध नियंत्रण निरोधक समिति अपराध निरोधक बंदी जो है, जो अपराधी होता है, कई बार अपराधी जानबूझ के भी अपराध करता है, कई बार अपराध हो जाता है, लेकिन एक अपराधी के साथ में उसका परिवार, उसके बच्चे सभी जुड़े होते हैं। तो इस समिति का मेन उद्देश्य है कि उस अपराध को रोका जाए, चाहे जैसे चाहे वो उसको जानबूझ के हुआ या हो गया। जब अपराध रुकेगा तो जेल में बंदियों की संख्या कम होगी, और जब जेल में बंदियों की संख्या कम होगी तो बंदियों को सुविधाएं भी मिलेंगी और रोजगार भी मिलेंगे, जिससे उनका जो परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है वो सफर नहीं करेगा। तो मेन उद्देश्य अपराध निरोधक समिति का यही है कि अपराध को रोका जाए और अपराधी को, जो भी बंदी है या अपराधी है जिससे अपराध हो गया चाहे जैसे हुआ, उसकी मानसिकता को चेंज करके। मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, वैसे पेशे से गैस्ट्रो सर्जन हूँ, बट मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ अपने चेयरमैन साहब का, डॉक्टर उमेश शर्मा जी का, अधीक्षक साहब का और जी के पाठक सर का, जो कि जॉन बरेली के सचिव हैं, जेल सचिव हैं। मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं जब भी मौका मिलेगा जेल में जाऊँगा, जेल अधीक्षक साहब से मुलाकात करूँगा। अगर कोई जेल में कोई दिक्कत है, कोई किसी पेशेंट को इलाज की ज़रूरत है या और कोई कमी है, मतलब खाने पीने में कोई दिक्कत है या कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे भी होते हैं जेलों में, तो उनकी एजुकेशन के बारे में जेल क्या करती है, उनके मनोरंजन के लिए क्या करती है, खेलने कूदने का क्या करती है, ये सब का मैं संज्ञान लूँगा और समय समय पर निरीक्षण करता रहूँगा। और सबका, अधीक्षक साहब का मुझे सपोर्ट मिलेगा पूरी तरीके से, चेयरमैन साहब का भी। देखिए, जिला कारागार मुरादाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण जेल है और ये मंडल है, इसलिए मंडली जेल है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ओवरक्राउडिंग की है। बंदियों की जितनी भी समस्याएं हैं, समाज सेवियों से मिलके, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के सभी सम्मान्य सदस्यों से, पदाधिकारियों से मिलके उनका समाधान किया जाएगा। समाज और जेल आपस में अलग अलग रहते हैं, इनको मेरा प्रयास रहेगा कि हम जोड़ें और समाज को, समाज सेवियों के माध्यम से, अपराध निरोधक समिति के माध्यम से, अपराध निरोधक समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज और जेल को जोड़ें। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी मैं यहाँ देख रहा था कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के कई डॉक्टर्स उसमें सम्मिलित हैं और हमें गरीब बंदियों के लिए, उपचार के लिए उनकी आवश्यकता है। इस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों में ये प्रयास करेंगे कि विभिन्न समाज सेवियों को जेल से जोड़ सकें और जेल का विकास कर सकें तथा जेल की समस्याओं का समाधान कर सकें। इसके अलावा किन क्या समस्याएं हैं आपकी नज़रों में भी, जो जेल में कैदियों के सामने? हमें बंदियों की सेवा करनी है, जैसे उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति भी हमेशा करती रही है। कोर्ट से संबंधित समस्याएं हैं, तारीखों से संबंधित समस्याएं हैं, वकील से संबंधित समस्याएं हैं, ओवरक्राउडिंग की समस्या है, जितनी भी समस्याएं हैं उनका हम सब लोग आपस में समाज सेवियों के साथ और अपराध निरोधक समिति के साथ मिलकर समाधान करें। जिस तरीके से सबसे बड़ी समस्या ओवरक्राउडिंग की थी और अब से पहले भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, उसमें अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है, वर्षों से ये लटका हुआ है। नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि मुरादाबाद जनपद के लिए जेल की जमीन क्रय की जा चुकी है, बहुत लंबे समय पहले ही क्रय की जा चुकी है। अभी परिसंपत्तियों के, जैसे कि पेड़ और पौधे, उनके जो पैसे किसानों ने मांगे थे वो भी शासन से आ गए हैं, जल्दी ही उनका आवंटन किया जा रहा है। 31 मार्च से पहले किसानों के खातों में पैसा चला जाएगा और मैं मुख्यालय और शासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी जेल का निर्माण कार्य शुरू हो, ताकि इस ओवरक्राउडिंग की समस्या के लिए हम सब लोग मिल बैठकर समाधान सोच सकें।
इसके अलावा मुरादाबाद के जो समाज सेवी हैं उनकी कितनी अहम भूमिका रहने वाली है इसमें? देखिए, मुरादाबाद के कई समाज सेवी हमारे संपर्क में हैं। सबसे बड़ा जो हमारा असेट है, जो हमारा ग्रुप होता है, वो हर जिले में जहाँ भी जाते हैं अपराध निरोधक समिति होती है। अपराध निरोधक समिति यहाँ पर बहुत ही समृद्ध है और बहुत ही समाज सेवी कार्यों में संलग्न है। मैं चाहूँगा कि उनका भी योगदान लूँ और समाज सेवी जो जेल में कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोग कर रहे हैं, योग के क्षेत्र में कुछ लोग कर रहे हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि कौशल विकास आज योजनाएँ मुरादाबाद जेल में लाई जाएँ, ताकि जो गरीब बंदी यहाँ पर बंद है उनको कुछ रोजगार मिल सके, रोजगार के सृजन के साथ उनको कुछ आमदनी भी हो सके, ताकि वो अपने परिजनों का और अपने केसों का भी ध्यान रख सके। इन सारी समस्याओं पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया, क्या लगता है आपको? नहीं, विभिन्न अधिकारी अलग अलग रूप से, हर अधिकारी के कार्य करने का एक मॉडल अलग होता है। मैंने विभिन्न जनपदों में जहाँ जा रहा हूँ, गाजियाबाद, एटा, अलीगढ़, नोएडा, सहारनपुर, अपने मॉडल से प्रयास किया है। यहाँ पर भी मैं प्रयास करूँगा कि जेल और समाज को जोड़ें तथा जेल की समस्याओं को समाज के सामने लाकर और समाज सेवियों का सहयोग लेकर यथासंभव निदान करें। क्या अब तक इन समाज सेवियों का सहयोग लिया गया, क्या लगता है आपको या नहीं? मुझे ये लगता है कि समाज सेवियों का सहयोग लिया गया, काफ़ी हद तक लिया गया, लेकिन और मुरादाबाद एक ऐसा जनपद है जहाँ पर समाज सेवा करने की परंपरा है। मैं चाहूँगा कि उनका और सहयोग लेकर उद्योगपतियों का, समाज सेवियों का, शिक्षा के कार्य में एक बृहद लाइब्रेरी यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ, लाइब्रेरी से संबंधित कार्य, और हम उनका सहयोग लेकर और इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं।